फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन क्या है। अनकंट्रोल रेक्टिफायर यूज डायोड, जो भी अनकंट्रोल रेक्टिफायर होगा वो डायोड को यूज करता है। एंड इट कन्वर्ट फिक्स्ड एसी टू फिक्स्ड डीसी, यानी फेज कंट्रोल रेक्टिफायर क्या काम करता है, फिक्स्ड एसी को फिक्स्ड डीसी में बदलने के लिए काम लेते हैं हम। फिर यहां पर हम देखें बट कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूज एससीआर, अगर अनकंट्रोल रेक्टिफायर बना रहे हैं हम तो डायोड यूज करेंगे, अगर कंट्रोल रेक्टिफायर बना रहे हैं हम तो एससीआर यूज करेंगे। इट कन्वर्ट फिक्स्ड एसी टू वेरिएबल डीसी, जबकि अनकंट्रोल रेक्टिफायर जो डायोड यूज करते हैं वो क्या करता है, फिक्स्ड एसी को फिक्स्ड डीसी में बदलता है। एससीआर क्या काम करता है, फिक्स्ड एसी को वेरिएबल डीसी में बदलता है। बाई चेंजिंग द फायरिंग एंगल अल्फा आउटपुट ऑल्सो चेंज, तो थायरिस्टर में या एससीआर में हम फायरिंग एंगल को चेंज करके आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। इन ऑल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर नेचुरल कम्यूटेशन टेक्स प्लेस, जितने भी फेज कंट्रोल रेक्टिफायर होंगे उनमें नेचुरल कम्यूटेशन होगा, नेचुरल कम्यूटेशन से हम आउटपुट है वेरी करते हैं। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर हम आर लोड के साथ में देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास में ये वेव फॉर्म होगी जो कि हमें दिखा रखी है, ये हमारे पास में वेव फॉर्म होगी सबसे पहले। तो इसको और डिटेल में हम देखें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन पल्स कन्वर्टर बिकॉज वन साइकिल ऑफ सप्लाई वोल्टेज वी गेट वन पल्स एट आउटपुट वोल्टेज, इस वजह से हम इसको कहते हैं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि सिंगल फेज की हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पाता है, दूसरी वेव को ही रेक्टिफाई नहीं कर पाता है। वेव फॉर्म का आउटपुट हम देखें, जैसे कि डायोड ये एससीआर है, एससीआर क्या करेगा यहाँ पर कंप्लीट वेव फॉर्म देखें तो ये एससीआर है। अगर फायरिंग एंगल हमने यहाँ पर दे दिया है तो यहाँ पर फायरिंग एंगल देते हैं तो हमें जैसे आउटपुट यहीं से मिलेगा, जैसे ये सेक्शन हमें आउटपुट मिलेगा, तो ये होता है बी आउटपुट वोल्टेज, यानी कि बी एम साइन अल्फा, तो बी एम साइन अल्फा आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर बी एम साइन अल्फा के अकॉर्डिंग। फिर इस सेक्शन के अंदर कंप्लीट सेक्शन के अंदर आउटपुट हमें जीरो मिलेगा, तो ये सेक्शन हमें आउटपुट कंप्लीट है वो जीरो मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है अल्फा, यहाँ पर टू पाई प्लस अल्फा, ये नेक्स्ट सेक्शन में आउटपुट दे देंगे। नेक्स्ट सेक्शन में सिग्नल दे दिया, उसके बाद में हमें वेवफॉर्म आएगी ये वाली, तो ये होता है सेकंड आउटपुट, सेकंड वोल्टेज का आउटपुट, तो ये फर्स्ट वोल्टेज आउटपुट, ये सेकंड वेवफॉर्म के लिए आउटपुट हो जाएगा। फिर ये नेचुरल कम्यूटेशन से ये ऑफ हो जाएगा, ये सेक्शन पूरा कंप्लीट है, इस टाइम पर एस सी आर ऑफ कंडीशन में रहेगा, ये वेट वोल्टेज वेवफॉर्म हो जाती है। इसी तरीके से करंट वेवफॉर्म आएगी, जिस रेशियो में वोल्टेज आया उसी रेशियो में करंट वेवफॉर्म आएगी, तो ये बी एस वाई आर है करंट वेवफॉर्म आएगी, यहाँ पर भी बी एस वाई आर है ये करंट वेवफॉर्म आएगी। तो जीरो से अल्फा के बीच में क्या है, जीरो से अल्फा के बीच में थायरिस्टर है टी ऑफ है, और अल्फा से पाई के बीच में, अल्फा से पाई के बीच में है ये ऑन कंडीशन में जब हमें आउटपुट मिलता है। ये हम आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म देखते हैं कि बी एम साइन अल्फा है, तो बी एम साइन अल्फा कम देता है हमें, ये थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज है बी टी, तो जब आउटपुट हमें नहीं मिलेगा तब थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज रहेगा, तो ये होगा बी एम साइन अल्फा, यहाँ पर भी नेगेटिव में होगा बी एम साइन अल्फा, तो जहाँ पर भी थायरिस्टर ऑफ कंडीशन में होगा तो जो भी वोल्टेज बचा कुचा वोल्टेज है, जैसे ये सेक्शन बचा हुआ है तो ये थायरिस्टर का क्रॉस होगा, तो ये थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज होता है। फिर ये वाला सेक्शन कम्प्लीट बचा हुआ है तो ये वाला सेक्शन है थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा, ये वाला कंप्लीट सेक्शन है वो थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा कंप्लीट यहाँ तक, इसी तरीके से ये वाला सेक्शन बचा हुआ है तो ये थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। अब देखते हैं हम एवरेज लोड वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पर एवरेज लोड वोल्टेज निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, एवरेज लोड वोल्टेज हमें पता है कि जो आउटपुट होता है हमारे पास बी आउटपुट की वैल्यू बी एम बाई टू पाई वन प्लस कॉस अल्फा होगी, यहाँ पर अल्फा क्या है फायरिंग एंगल और बी एम क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल सोर्स वोल्टेज। फिर आर एम एस वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज, आर एम एस वैल्यू लोड वोल्टेज की कैसे निकालेंगे, वो होगी बी एम बाई टू रूट पाई, पाई माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन टू अल्फा, इस कंप्लीट का पावर वन बाई टू यानी अंडर रूट में आ जाएगा ये, तो बी एम बाई टू रूट पाई अंडर रूट पाई माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन टू अल्फा। आर एम एस करंट वैल्यू निकालेंगे तो आर एम एस वोल्टेज डिवाइड बाई आर, तो ये हो जाती है आर एम एस करंट वैल्यू, और आर एम एस
वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज हमने यहाँ पर दे रखी है Vm by 2 root pi pi minus alpha plus 1 by 2 sin 2 alpha की पावर हाफ हो जाएगी। पावर डिसिपेशन एंड लोड रेजिस्टेंस हम देखें तो लोड रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेशन कैसे करेंगे, पावर डिसिपेशन लोड रेजिस्टेंस होगा बी आर एम एस आई आर एम एस, तो बी आर एम एस आई आर एम एस दोनों हमारे पास वैल्यू है तो इससे हम पावर डिसिपेशन है वो निकाल सकते हैं। तो ये होगा पावर डिसिपेशन आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, तो आई आर एम एस का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, इससे भी हम डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है इनपुट पावर फैक्टर। इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है, इनपुट पावर फैक्टर में पावर फैक्टर हम निकालते हैं तो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है पावर डिलीवर टू द लोड डिवाइड बाय इनपुट वी ए, ये होता है इनपुट पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी बी आर एम एस डिवाइड बाई बी एस, तो ये हो जाता है पावर फैक्टर। फिर है सर्किट टर्न ऑफ टाइम, सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है पाई बाई ओमेगा, ये हो जाता है हमारे पास में थायरिस्टर के अक्रॉस या थायरिस्टर का जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद में बाकी चीजें हम देखते हैं, जैसे इससे की सर्किट टर्न ऑफ टाइम मस्ट बी मोर देन दी एससीआर टर्न ऑफ टाइम फॉर सेटिस्फैक्ट्री कम्यूटेशन, अगर हमें अच्छी तरीके से कम्यूटेशन करना है तो सर्किट का टर्न ऑफ टाइम है वो मोर देन होना चाहिए एससीआर के टर्न ऑफ टाइम से। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि सोर्स करंट इंट्रोड्यूस डीसी कंपोनेंट एंड सप्लाई, सोर्स करंट इंट्रोड्यूस डीसी कंपोनेंट एंड सप्लाई ट्रांसफार्मर एंड सैचुरेट द ट्रांसफार्मर, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का डिसएडवांटेज है मेनली क्योंकि सोर्स करंट के अंदर डीसी कंपोनेंट होते हैं जो क्या करते हैं ट्रांसफार्मर की सप्लाई को सैचुरेट कर देते हैं इन द सप्लाई, तो ट्रांसफार्मर एंड सैचुरेट द ट्रांसफार्मर इस वजह से डिसएडवांटेज है इसके। फिर आर एल लोड के साथ में देखते हैं, आर एल लोड के साथ में क्या है आउटपुट की जो वैल्यू है वो पाई इक्वल टू पाई पर जीरो की वैल्यू जीरो नहीं होगी, जो इंडक्टर के अक्रॉस जो लोड का वोल्टेज रह जाएगा जो लोड करंट रह जाएगी वो डिस्चार्ज होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज वो डिस्चार्ज होगा, करंट की वैल्यू है यहाँ पर जीरो हो जाएगी, तो ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज करंट वेवफॉर्म हो जाती है। इसमें कंप्लीट देखें, यहाँ से देखें ये सेक्शन, तो इसमें क्या होता है ये जो सेक्शन दिखा रखा है यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है ये इंडक्टर की वजह से आता है क्योंकि इंडक्टर है उस वोल्टेज इक्वल टू जीरो होने पर भी उसके अंदर करंट फ्लो होती है और जो इंडक्टर के अंदर वोल्टेज बचा रहता है वो भी यहाँ पर फ्लो होता है, तो इस वजह से ये जो सेक्शन है इतना सा ये इंडक्टर की वजह से रहता है, तो यहाँ पर ये रहेगा फिर दोबारा इंडक्टर की वजह से ये सेक्शन आ जाएगा, इधर ये इंडक्टर की वजह से सेक्शन आ जाता है। उसके बाद में जो टर्मिनल का क्रॉस वोल्टेज है वो बचा बचा वोल्टेज टर्मिनल का क्रॉस वोल्टेज होगा, जैसे कि ये सेक्शन बचा हुआ है यहाँ पर तो ये टर्मिनल का क्रॉस वोल्टेज होगा, फिर ये वाला सेक्शन बचा हुआ है कंप्लीट यहाँ पर तो ये टर्मिनल का क्रॉस वोल्टेज होगा, इस तरीके से ये टर्मिनल का क्रॉस वोल्टेज बचेगा। एवरेज लोड वोल्टेज कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एवरेज लोड वोल्टेज है आर एल लोड के अंदर सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, आर एल लोड में अगर एवरेज वोल्टेज निकालते हैं तो बी आउटपुट इक्वल टू बी एम बाई टू पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होता है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ पर ही कंप्लीट है ये बीटा, ये पूरा कंप्लीट बीटा है और अल्फा इतना सा है यहाँ से, तो इससे हम निकाल लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू हम देखें यहाँ पर तो ये जो सेक्शन है ये अल्फा की वैल्यू है, यहाँ पर हम थायरिस्टर को ऑन करते हैं और बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट जहां तक ये एक्सेस जीरो हो रहा है ये कंप्लीट है बीटा की वैल्यू है, इससे हम कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा से ये एवरेज लोड वोल्टेज है वो निकाल लेते हैं क्योंकि यहां से और यहां तक ये फ्लो हो रहा है। उसके बाद में आरएमएस लोड वोल्टेज देखते हैं, आरएमएस लोड वोल्टेज क्या होगा बी आरएमएस इक्वल टू बी एम बाई टू रूट पाई कोष्टक चलो बीटा माइनस अल्फा माइनस के हाफ साइन टू बीटा माइनस साइन टू अल्फा की पावर हाफ हो जाएगा, यहाँ पर बीटा क्या है एक्सटेंशन एंगल है। फिर कंडक्शन एंगल कैसे निकालेंगे, बीटा माइनस अल्फा ये हो जाता है कंडक्शन एंगल। सर्किट टर्न ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, सर्किट टर्न ऑफ टाइम हो जाता है टू पाई माइनस बीटा बाई ओमेगा, ये हो जाता है हमारे पास सर्किट टर्न ऑफ टाइम।
For omega t equal to pi to beta, thyristor is forced to conduct a negative supply by the stored energy in the inductor. Here energy is feedback to source. तो यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा टी इक्वल टू पाई पर थायरिस्टर है इज कंडक्ट, थायरिस्टर इज फोर्स टू कंडक्ट इन नेगेटिव सप्लाई, तो थायरिस्टर है नेगेटिव सप्लाई जो स्टोर्ड है उसकी वजह से कंडक्ट करेगा इन द इंडक्टर, जिस वजह से क्या होगा जो पावर है बैक टू सोर्स, दोबारा पावर है सोर्स की तरफ आने लगेगी। एट ओमेगा टी इक्वल टू बीटा इंडक्टर फीडबैक इट्स होल एनर्जी टू सोर्स, ओमेगा टी इक्वल टू बीटा पर इंडक्टर है वो अपनी एनर्जी को पूरी कंप्लीट एनर्जी को सोर्स को दे देता है। आर एल लोड विद ट्रिवलिंग डायोड, ट्रिवलिंग डायोड के साथ आर एल लोड दिखाया गया है, तो ट्रिवलिंग डायोड कहां पर कनेक्ट करेंगे हम, जैसे कि ये ट्रिवलिंग डायोड कनेक्ट कर दिया आर एल लोड के साथ इसमें, तो इसके क्या एडवांटेज है, द परफॉर्मेंस ऑफ कन्वर्टर इज इम्प्रूव बाय कनेक्टिंग द ट्रिवलिंग डायोड अक्रॉस द लोड, अगर लोड के अक्रॉस हम ट्रिवलिंग डायोड कनेक्ट कर देते हैं तो परफॉर्मेंस है इसकी कन्वर्टर की वो इंप्रूव जाती है। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, दूसरा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, अगर हम ट्रिवलिंग डायोड यूज करते हैं तो पावर फैक्टर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तीसरा जो एडवांटेज है वो क्या है, तीसरा एडवांटेज है कि नेगेटिव स्पाइक्स इन द आउटपुट वोल्टेज आर रिमूव्ड, जो भी नेगेटिव स्पाइक्स होंगे आउटपुट वोल्टेज के अंदर वो रिमूव हो जाएंगे। फिर ओवरऑल करंट वेव फॉर्म इज इम्प्रूव्ड, इस वजह से ओवरऑल करंट वेव फॉर्म में वो इम्प्रूव हो जाएंगी, ओवरऑल कन्वर्टर एफिशिएंसी इज इम्प्रूव, और ओवरऑल कन्वर्टर की जो एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। फिर इसकी वेव फॉर्म हम देखें, तो ये वेव फॉर्म है जो आई ओ की वैल्यू है, यानी कि आई आउटपुट करंट की वैल्यू है, पहले डाउन होगी फिर आप फिर पहले डाउन होगी, यहाँ पर देखते हैं आई ओ की वैल्यू, आई ओ की वैल्यू हमने देखी यहाँ पर, तो सबसे पहले इस सेक्शन में डाउन होगी, फिर आई ए जी है, फिर डाउन होने के बाद में यह होगी आई आउटपुट की वैल्यू, तो ये अप हो गई है डाउन होने के बाद में, फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप, इस वजह से ये पावर प्लांट है वो ज्यादा गवर्न करता है। आउटपुट वोल्टेज को हम देखें तो इस तरीके से प्राप्त होती है, ये वोल्टेज वेवफॉर्म है, ये करंट वेवफॉर्म हो जाएगी, ये वाली सेक्शन है वो टी एस आई एस के लिए हो जाएगा, और ये वाली वेवफॉर्म नीचे वाली ये है कंडक्शन मोड के अंदर और ये है ट्रिवलिंग डायोड के अंदर। तो इसमें क्या पूछा है, इसने पूछा ओवर द एफिशिएंसी ऑफ वेवफॉर्म इंप्रूव्ड, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन बीएम इक्वल टू साइन ओमेगा टी एन 4% हो जाएगा, तो विंड पोटेंशियल अगर दिखाना तो 0.4% और रख देते हैं। एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, बीएम बाई टू बाई वन प्लस कॉस अल्फा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज एवरेज आउटपुट करंट की वैल्यू होती है आई एम इक्वल टू 1/2πR 1+ cos अल्फा, आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज 1/R 1/5 जी, आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो पाई माइनस अल्फा का स्क्वायर 1/2 sin 2 अल्फा की पावर भाग हो जाएगा। कट सर्किट टर्न आउट टाइम देते हैं, यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ में क्या होता है, ओवरऑल कन्वर्टर की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है, करंट वेव फॉर्म इम्प्रूव हो जाती है, नेगेटिव स्पाइक्स इन द आउटपुट वोल्टेज है वो रिमूव हो जाती है, द परफॉर्मेंस ऑफ कन्वर्टर इंप्रूव बाय कनेक्टिंग द फ्री व्हीलिंग डायोड अक्रॉस द लोड। और क्या फायदा फ्री व्हीलिंग डायोड से, इससे जो पावर फैक्टर है वो भी इंप्रूव हो जाता है,
due to the Thevenin diode, power factor of the circuit also improved. फिर हम इसके वेवफॉर्म देते हैं थ्री डायोड में. थ्री डायोड से क्या फायदा होगा, जो करंट है वो कंटिन्यू फ्लो होने लग जाएगी. आउटपुट के अंदर जो करंट फ्लो है वो कंटिन्यू फ्लो होने लग जाएगी, यानी कि जहां पर हमें ऑफ पीक के अंदर करंट नहीं मिल रही थी वहां पर भी हमें करंट मिलने लग जाएगी. यानी इस पॉइंट पर भी, इस सेक्शन में भी हमें करंट मिलने लग जाएगी थ्री डायोड की वजह से. तो ये करंट मिलने लग जाएगी, कंटिन्यूस करंट है वो फ्लो होगी. इस सेक्शन के अंदर फ्यूलिंग डाउट की वजह से करंट होने लग जाएगी. फिर दोबारा इसमें ये फ्यूलिंग डाउट की वजह से कंटिन्यू करंट फ्लो होगी. तो ये फ्यूलिंग डाउट, ये थायरिस्टर की वजह से करंट, ये फ्यूलिंग डाउट की वजह से करंट, फिर ये थायरिस्टर की वजह से करंट, ये फ्यूलिंग डाउट की वजह से करंट, और ये थायरिस्टर की वजह से करंट. ना सेक्शन है ये, थायरिस्टर वाला सेक्शन है ये सेक्शन. ये सेक्शन थायरिस्टर की वजह से आ रहा है और बाकी का जो सेक्शन है, और ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है फ्री ब्लोइंग डायोड की वजह से आता है. ये सेक्शन फ्री ब्लोइंग डायोड की वजह से आता है. इस तरीके से हमें करंट की वेवफॉर्म मिल जाएगी. करंट की वेवफॉर्म मिलने के बाद में हमारे पास में थायरिस्टर के अक्रॉस करंट क्या होगी. थायरिस्टर का क्रॉस करंट देखें हम इसी वे फॉर्म के थ्रू, तो ये थायरिस्टर का क्रॉस करंट होगी. यहां पर हम देख लेते हैं, जैसे कि ये वाली करंट है वो थायरिस्टर का क्रॉस करंट होगी. ये वाले सेक्शन है थायरिस्टर का क्रॉस करंट होगी. फिर दोबारा ये वाला सेक्शन है वो थायरिस्टर का क्रॉस करंट होगी. तो इस तरीके से हमारे पास में थायरिस्टर का क्रॉस करंट होगी. फिर है प्रीवलिंग डायोड के अंदर करंट कौन सी होगी, जो यहाँ पर नहीं होगी. जैसे इस सेक्शन में प्रीवलिंग डायोड के अंदर करंट होगी, तो वो प्रीवलिंग डायोड के अंदर करंट होगी. या थायरिस्टर का क्रॉस करंट नहीं होगी, वो प्रीवलिंग डायोड के अंदर करंट होगी. जैसे यहाँ पर है प्रीवलिंग डायोड के अंदर करंट होगी. फिर इस सेक्शन के अंदर प्रीवलिंग डायोड की वजह से करंट होगी, फिर प्रीवलिंग डायोड की वजह से करंट होगी. और फाइनली दोनों मिलकर इस तरीके से मिल जाती है, तो प्रीवलिंग डायोड लोड करंट बन जाती है. इस तरीके से मिल जाती है, तो जो वाली करंट है ये फ्यूलिंग डाउट की वजह से आउटपुट में करंट आती है. वो थायरिस्टर का क्रॉस करंट और फ्यूलिंग डाउट की वजह से करंट मिलकर, दोनों मिलकर बन जाती है. और थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जहां पर वोल्टेज हमें यहां पर मिल नहीं रहा है. जैसे ये सेक्शन में वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो वो वाला वोल्टेज है थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा. इस सेक्शन कंप्लीट है यहां तक, यहां से आगे यहां पर इस पॉइंट तक वो जीरो होगा. तो ये हमारा कंडक्शन मोड हो जाता है. जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कंडक्शन मोड हो जाएगा, फिर फ्री ब्लिंग डाउट की वजह से हमें ये मिलेगा. फिर वही सेम सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा दूसरा सेक्शन. ये सेक्शन है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये फ्री ब्लिंग डाउट की वजह से होगी. ये वाला सेक्शन है फ्री ब्लिंग डाउट की वजह से आएगा हमारे पास में, और ये कंडक्शन मोड की वजह से आएगा. एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालते हैं आप, एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना हमें, तो बी एम बाई टू पाई वन प्लस कॉस अल्फा, ये फ्यूलिंग डायोड की वजह से एवरेज आउटपुट वोल्टेज आएगा. फिर यहाँ पर जो वैल्यू निकालते हैं एवरेज आउटपुट करंट की, वो बी आउटपुट बाई आर हो जाएगा, यानी बी एम बाई टू पाई आर वन प्लस कॉस अल्फा. फिर निकालते हैं हम आरएमएस आउटपुट वोल्टेज. आरएमएस आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज होगा बीएम बाई टू रूट पाई, बीएम बाई टू रूट पाई पाई माइनस अल्फा प्लस वन बाई टू साइन टू अल्फा की पावर ऑफ हो जाएगा. तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम, सर्किट का टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, टी सी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा सेकंड, ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा. आरई लोड या चार्जिंग बैटरी, आरई लोड में क्या सेक्शन होगा, आरई लोड में जैसे कि आर और ई लोड में लगा दिए, ये हमारे पास में इनपुट वोल्टेज है. तो ये साइनोसोइडल वोल्टेज वेवफॉर्म हो जाएगी. साइनोसोइडल वेवफॉर्म होने के बाद में अगर बीएससी वैल्यू देखें कि हमें आरई लोड में बीएससी वैल्यू कैसे मिलेगी, तो बीएससी वैल्यू ये वाला सेक्शन है, ये हमें आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि इसे नीचे वोल्टेज होगा तो डायोड है कंडक्ट नहीं करेगा.
तो इसे ऊपर का वोल्टेज इतना सा सेक्शन है इसके लिए हमें आउटपुट मिलेगा, तो ये वाला आउटपुट है हमें मिलेगा, तो इसे कहते हैं बीएम, जो ये वाला सेक्शन है इसको बोलते हैं हम बीएन साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर, तो इसके बोलते हैं करंट की वैल्यू या बीएस की वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा ये थीटा अल्फा वैल्यू थीटा, यहाँ पर थीटा पर फायरिंग कर रहे हैं तो आउटपुट हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो थीटा वन से लेकर पाई माइनस थीटा वन तक आउटपुट होगा हमारे पास में। और देखते हैं चार्जिंग करंट क्या होती है, यहाँ पर चार्जिंग करंट की वैल्यू होती है बीएम साइन ओमेगा टी, बीएम साइन ओमेगा टी माइनस ई वाई आर, ये चार्जिंग करंट की वैल्यू होती है। फिर मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम फायरिंग एंगल की वैल्यू होती है यहाँ पर वो होती है थीटा वन इक्वल टू साइन इनवर्स ई वाई बी एम, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल। फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल जो निकालते हैं ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल होती है, ये वाला सेक्शन है ये मिनिमम एंगल है, जैसे कि दे रखा है आप मिनिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल थीटा वन इक्वल टू साइन इनवर्स ई वाई बी एम, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल है थीटा टू इक्वल टू पाई माइनस थीटा वन होती है। फिर रेंज होती है जो फायरिंग एंगल की वो होती है थीटा वन से थीटा टू के बीच में। कंडक्शन एंगल होता है थायरिस्टर का वो थीटा टू माइनस अल्फा होता है कंडक्शन एंगल। फिर सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर थायरिस्टर क्या होता है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर दी थायरिस्टर होता है टू पाई प्लस थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइड बाई ओमेगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर दी थायरिस्टर इसे लिख सकते हैं हम पाई प्लस टू थीटा वन डिवाइड बाई ओमेगा, क्योंकि थीटा टू की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन से पाई माइनस थीटा वन, तो पाई माइनस थीटा वन पुट कर देंगे यहाँ पर तो टू पाई माइनस पाई पाई हो जाएगा, और थीटा वन जुड़ गए टू थीटा वन हो जाएगा, तो पाई प्लस टू थीटा वन बाई ओमेगा भी हम सर्किट टर्न आउट टाइम में थायरिस्टर के लिए लिख सकते हैं। एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, बी आउटपुट इक्वल टू वन बाई टू पाई बी एम कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा टू प्लस ई टू पाई प्लस थीटा टू पाई प्लस अल्फा माइनस थीटा टू, ये लिख देते हैं, या इसको लिख सकते हैं पाई प्लस, इस सेक्शन को लिख सकते हैं पाई प्लस टू थीटा वन भी लिख सकते हैं। तो इससे हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाल लेंगे। फिर एवरेज चार्जिंग करंट ऑफ बैटरी कैसे निकालेंगे, एवरेज चार्जिंग करंट ऑफ बैटरी होगी आई आउटपुट इक्वल टू इसमें आर का डिवाइड कर देंगे वन बाई टू पाई आर बी एम कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा टू प्लस ई थीटा टू माइनस अल्फा। तो यहाँ पर जो बैटरी करंट के लिए है एवरेज चार्जिंग करंट ऑफ बैटरी, तो उसके लिए यहाँ पर ई की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। फिर है पावर सप्लाई बाय द बैटरी।